नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश और आप देख रहे हैं ग्लांसिंग इंडिया चैनल। और आज हम दोस्तों इस सेशन में आपको आपके जो पूछे गए सवाल हैं उसके जवाब देने वाले हैं। तो आपके जितने भी सवाल हैं मैं इसमें वीडियो में आपके सवालों का जवाब भी देने वाला हूं, साथ ही साथ में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उन सबको पिकअप करने वाला हूं। तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहला सवाल है योगेंद्र जायसवाल जी का, वजन कम हो रहा है, वजन कम हो गया है, शरीर में फिक्का लग रहा है, बहुत थकान लग रही है, डॉक्टर से इलाज करवाया ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूं? तो दोस्तों योगेंद्र जी भैया, आप सबसे पहले टाइफाइड का टेस्ट कराइए, साथ में CBC कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट कराइए और आपको सीरम बिलरुबिन का भी टेस्ट करा लेना चाहिए। यदि इन टेस्टों में आपके म्यादी बुखार या जॉइंटिस पीलिया की शिकायत निकलती है तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले दवाइयों का सेवन करें, जैसे कि टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल 650 mg, डोलो और ओमिप्राजोल, और मल्टीविटामिन में आप नीरोक्वाइंट गोल्ड ले सकते हैं इसके साथ साथ, या फिर A2Z गोल्ड ले सकते हैं। ये दवाइयां 21 दिन तक चलानी है। यदि आपका टाइफाइड फीवर 21 दिन से यदि बीच में ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइफाइड फीवर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप इसके साथ सेफीप्राजन साल्वेक्टम इंजेक्शन चला सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है दोस्तों, जब भी आप इस इंजेक्शन को 10 डेज लगवाएंगे, एक दिन में एक बार लगवाएंगे, तो आपका टाइफाइड फीवर खत्म हो जाएगा। यदि दोस्त आपके जॉइंटिस निकलता है, पीलिया की शिकायत निकलती है, तो ऐसी स्थिति में आप हेपामर्ज सिरप का इस्तेमाल करें, उससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। आयान पाल का है, सर मेरे को 27/10/2020 फर्स्ट इंजेक्शन है, 3/7/14/28 वाला नेक्स्ट डोज कब होगी, प्लीज रिप्लाई करें। तो दोस्तों इन्होंने पूछा है, इंजेक्शन जो लगवाते हैं चूहा काटने का इलाज जो है दोस्तों, यह है कि यदि आप टिटनेस का भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि चूहा काट जाता है तो ऐसी स्थिति में आप उस बुंड को क्लीन करें अच्छे से, और आप अपने आप की जो बुंड है उसको साफ करने का ब्रेसिंग करें, उसके बाद डॉक्टर से TT का इंजेक्शन जरूर लगवा लें, जिससे क्या है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आता है एक अशोक कुमार जी का है, सर खुशी किट खाए हुए हैं, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, 18 दिन हो गए हैं। तो अशोक जी, इसमें आपको जो आपने दवाई खिलाई है वो सबसे पहली बात तो यह है कि कितने दिन की प्रेगनेंसी थी उसमें, दूसरी बात यह है कि आपने खाने का तरीका क्या था, तीसरी बात यह है कि आपने जो किट खिलाई है क्या ब्लीडिंग रेड कलर की हो रही है या ब्लैक कलर की हो रही है। यदि ब्लीडिंग आपकी रेड कलर की है तो आप टैबलेट स्टेप्टोबिट ई या फिर पाउस या फिर रेविसी टैबलेट का इस्तेमाल करें 5 दिन तक। इसके बाद यदि आपकी ब्लीडिंग ब्लैक हो रही है तो ऐसी स्थिति में आप एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें, हो सकता है कोई पीस चुपका रह गया हो। अब इसमें एक क्वेश्चन है राजकुमार का, वेट गेन के लिए कुछ बताएं प्लीज, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। तो राजकुमार जी, मैं आपसे ये कहूंगा, वेट गेन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से वेट कीजिए, वजन कीजिए, वजन कम आ रहा है तो आप सबसे पहले प्रोटीन डाइट चेक कीजिए, आपका ब्लड टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट में कोई यदि बीमारी नहीं निकलती है तो उसके हिसाब से आप साइप्रोहेप्टाडिन या कहें तो जिप्रो सिरप का इस्तेमाल करें, इसके साथ
प्रोटीन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। अब आ रहा है दोस्तों एक क्वेश्चन, हैपामर्ज सिर्फ पीलिया होने पर यूज किया जाता है। तो दोस्तों हैपामर्ज के अंदर एल ऑर्थिनाइन कंपोनेंट होता है, वो इंजेक्शन या सीरप या टेबलेट पीलिया के लिए रामबाण इलाज का काम करती है। साथ में जिन लोगों को पीलिया से संबंधित, लीवर से संबंधित या कहें तो आपके जिगर से संबंधित कोई भी बीमारी है, आपको ये हैपामर्ज सीरप इंजेक्शन या टैबलेट लेने से तुरंत राहत मिल जाएगी, चाहे पीलिया कितना भी भयंकर से भयंकर हो। साथ में यदि आपको एल्कोहलिक है आप या फैटी लीवर हो रहा है, तो आपके फैटी लीवर और एल्कोहलिक लीवर में भी ये रामबाण का इलाज काम करती है। अब आया है दोस्तों इसमें गणेश जी का है, गणेश राजेश करके नाम है भाई। खाने में मिशमी टैबलेट के बारे में पूछा है ये भाई, खाने में डालकर दे सकते हैं? तो गणेश भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार से इसको टैबलेट को पेशेंट पार्टी के या पार्टनर के पेट में पहुंचा दी जाए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बात आ रहा है श्रेया पांडे का, सर चूहे कुतरने पर रेबीज का इंजेक्शन लगता है क्या? तो सबसे ये पॉइंट अच्छा है कि चूहे कुतरने पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगता है, चूहों को काटने से रेबीज नहीं होता है, ये सिर्फ गलतफहमी है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, चूहा यदि काट लेता है तो सिर्फ टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने से आपको पूरी तरह से सुरक्षित है, आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आप जितना हो जाए तो रेबीज का इंजेक्शन ना लग पाए, यदि आपके मन में कोई भ्रांति है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं सर छछूंदर का दांत लग गया है क्या करें? तो भैया छछूंदर और चूहा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप जितना हो जाए, ये जो है आकांक्षा श्रीवास्तव का क्वेश्चन है। तो आकांक्षा श्रीवास्तव जी आपके लिए मैं ये कहूंगा कि आप परेशान मत होइए, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिंस कुमार का है, ये एक बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं जिसे निमोनिया की शिकायत हो गई है। मेरा 1.5 साल का बच्चा है, उसको बार बार निमोनिया सर्दी जुखाम हो जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अंग्रेजी दवा बहुत खराब ठीक नहीं हो रहा है, कोई घरेलू उपाय जो कंफर्म है वह ठीक हो जाए या आयुर्वेदिक दवा हो तो ही बताएं। तो दोस्तों प्रिंस कुमार जी मैं आपको बताऊं, निमोनिया के लिए बच्चा टॉफी खा के पानी पी लेता है तो भी नुकसान करता है, चॉकलेट खा के पानी पी लेता है तो भी नुकसान करता है, और बच्चा यदि भीग जाता है तब भी नुकसान करता है, बदलते हुए मौसम में ऐसी परेशानी हो सकती है। मैं आपसे ये कहूंगा पहले इन्वेस्टिगेशन कराएं, जैसे कि आप CBC, बिडाल, बिलरुबिन, CRPQ इस तरह से आप टेस्ट कराएं, चेस्ट एक्सरे जरूर कराएं, यदि इनमें कोई प्रॉब्लम निकलती है उसी के हिसाब से डॉक्टर के अनुसार कंसल्ट कर लें। आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार की बात करें तो बादाम का सेवन करा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करा सकते हैं, च्यवनप्राश जो आता है च्यवनप्राश का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। च्यवनप्राश पीने से बच्चों को निमोनिया, सर्दी खांसी जैसी गंभीर बीमारियां नहीं होती, और विक्स का भाप भी दे सकते हैं जिससे क्या बच्चे को तुरंत आराम मिल जाएगा। अब स्वराज भैया जी का है, सर छछूंदर ने काटा है तो भैया आगे क्या करना है आपको मैं बता ही चुका हूं पहले वाले क्वेश्चनों में, तो भैया परेशान मत हो, TT का इंजेक्शन लगवा लो और मस्त कहीं घूमो, कोई परेशानी नहीं है। गीता परमार का है,
मैं नेटो दो नहीं गोली घर ली, ये पता नहीं क्या लिखा है उन्होंने। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको सुरक्षा गार्ड का क्वेश्चन है, सर मेरे को 11 दिन पहले कान के ऊपर काट लिया था और तेल लगाया था, कुछ होगा तो नहीं? तो सुरक्षा जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चूहा काटने से कुछ भी नहीं होता है, आपको सिर्फ इंजेक्शन लगवाना है टिटनिस का, उससे आपकी परेशानी सही होने वाली है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, इससे संबंधित और भी वीडियोज आपको आई बटन में देखने को मिलेंगी। दोस्तों यदि आप का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इससे संबंधित और भी वीडियोज आपको आई बटन में देखने को मिलेंगी। पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।